गुजरात के गांधीनगर जिले से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। यहां गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बस की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। हादसे के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को यह हादसा गांधीनगर के कलोल इलाके में हुआ, जहाँ बस स्टैंड पर इंतजार कर रहे यात्री गुजरात रोडवेज बस की चपेट में आ गए। हालांकि इस हादसे में गुजरात रोडवेज के ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। मरने वाले 5 लोग स्थानीय बताए गए हैं, जो हर रोज की तरह बुधवार को भी अपने अपने काम से बस पकड़ने के लिए स्टैंड आए थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कालोक स्थित अंबिका बस स्टैंड पर कुछ लोग इस बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान गुजरात रोडवेज की एक बस आकर रुकी। सरकारी बस रुकी थी ही कि पीछे से आ रही एक लग्जरी बस ने सरकारी बस में जोरदार टक्कर मार दी। इससे रोडवेज की बस के सामने खड़े यात्री बस की चपेट में आ गए। लग्जरी बस ने रोडवेज बस को पीछे से इतनी तेज टक्कर मारी कि बस के नीचे आने से एसटी के सामने खड़े 5 यात्रियों की मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर आसपास के लोग दौड़े और पुलिस को सूचना दी। पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई।